हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील अटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है महिंद्रा की लेटेस्ट लॉन्च महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। यह अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। एंड आज आप लोग यहां पर देखेंगे इसके AX5 डीजल वेरिएंट को। तो भाई साहब, पहले वाली 300 में जो भी कमियां थी वो सारी यहां पर दूर की जा चुकी हैं इसके इस फेसलिफ्ट में। एंड इसी के साथ इस गाड़ी की सबसे कम इस सेगमेंट में प्राइस रेंज रखी गई है 7.49 लाख से एक्सरूम स्टार्ट हो जाती है। एंड टॉप मॉडल भी जाएगा इसका 15.5 लाख तक एक्सरूम। लुक्स भी एकदम आपको तगड़े से मिलेंगे। इसी के साथ आपको उसमें मिलेगी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। एंड इसी के साथ वेरिएंट्स जो यहाँ पे इसका रहेगा, बेस रहेगा MX1, देन MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, देन AX5 सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें AX5, AX5L एंड AX7, AX7L यहाँ पे इसका मिलेगा टॉप मॉडल। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, फिर दिखाएंगे इसका पूरा इंटीरियर। यहाँ पे बटरफ्लाई वाला महिंद्रा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एंड वर्टिकल शेप में क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा इसके फ्रंट ग्रिल में। ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स का सेटअप। यहाँ पे इसके DRL डे टाइम रनिंग लाइट्स जो मल्टी फंक्शनल मिलेंगे, एज ए इंडिकेटर भी वर्क करेंगे। तो व्हाइट LEDs रहेंगे जिनका थ्रू मिलेगा काफ़ी सॉलिड सा। नीचे फॉग लैंप्स अगर आपको नहीं मिलते हैं, हाउसिंग दी गई, बाद में चाहे तो एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं। लोअर ग्रिल पूरी ब्लैकआउट यहाँ पे रहेगी, नीचे ग्रे फिनिश में इसकी स्किट प्लेट, प्रॉपर बड़े से इंजन गार्ड वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे इसका एनहांस किया जा चुका है, अभी आपको इसमें मिलेगा 201 मिलीमीटर का बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस इस कार के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स की यहाँ पे रहेगी पेसमेंट। बाकी भाई चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड से आपको दिखाते हैं इस कार को। ये रहने वाली भाई साहब जबरदस्त सी साइड प्रोफाइल इस कार की। वारंटी वगैरह भी आपको इसमें मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको आप फर्दर आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं। कॉम्पिटिशन अब भाई साहब इस सेगमेंट में चाहिए जिससे भी कराए इस कार का, सभी को देगी तगड़ी सी टक्कर, लुक्स वाइज भी, फीचर्स वाइज भी एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि 5 स्टार की मिलेगी इसमें सेफ्टी रेटिंग। यहाँ पे देखेंगे तो 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़े से रहने वाले हैं महिंद्रा का लोगो। एंड आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे स्टैंडर्ड फीचर, ये यहाँ पे रहेगा इस कार का। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205/65 8/16 इंच के यहाँ पड़ेंगे इसमें रेडियल के टायर्स। यहाँ पर ब्लैक कलर की क्लाइडिंग, ये थोड़ा कटआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद ऊपर यहाँ पे इसके आउटसाइड मिरर्स जो आपको मिलते हैं यहाँ पे सेम बॉडी कलर, ऑटो फोल्डेबल यहाँ पर रहेंगे, जब भी गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। इसी में रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। ए पिलर पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पर दिया गया है। डोर वाइजर वगैरह सब एक्सेसरीज के यहाँ पे पार्ट रहेगा। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी बड़े से देखेंगे रूफ रेल्स, यहाँ पे इसकी सनरूफ। टॉप में जाएंगे तो पैनोरमिक सनरूफ मिलेगी, वहाँ पे 360 कैमरा भी आपको मिलता है। डैशबोर्ड पूरा डुअल टोन में, सेंटर कंसोल वाइज सा पूरा चेंज, बड़ी सी टच स्क्रीन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग स्टैंडर, ऊपर मिलेगी सनरूफ। अभी बैठ के आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल में। एंड यहाँ पे आपको दिया गया इसका फिल फिलर कैप, जहाँ से पड़ेगा इसमें डीजल। 42 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी 42 लीटर की। यहाँ पे तो डीजल रहेगा, ब्लू वाला देख रहे हैं इसमें पड़ेगा एड ब्लू, तो इसको भी यहाँ पे कर देते बंद। डायमंड पैटर्न यहाँ पे आपको दिया गया है, काफ़ी जगह कॉमन रहेगा। रूफ रेल्स में आपको मिलेगा, अंदर भी मिलेगा, पीछे इसका मिलेगा पावर एंटीना। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ये स्टैंडर्ड फीचर रहेगा इस कार का। बाकी आप देखिए इसकी मस्कुलर सी पूरी बैक प्रोफाइल लग रही है एकदम सॉलिड सी। ब्लैक कलर में आप इसको देख रहे हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, इसी के साथ ब्लू, ये काफ़ी सारे येलो जैसे आपको इसमें कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड वारंटी वगैरह मैंने आपको बताई थी। कंपटीशन इस सेगमेंट में चाहिए जिसमें जाइए सभी को देगी तगड़ी सी टक्कर। रियर में सबसे पहले देखेंगे इसकी कनेक्टेड यहाँ पे बैकलाइट जो एकदम लग रही है बेहतरीन सी। सेंटर में महिंद्रा का लोगो, XUV 3XO की यहाँ पर रहेगी बैजिंग, रियर वाइपर, डिफॉगर, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉयलर, ये पावर एंटीना, रूफ रेल। सिर्फ शार्फन एंटीना की आपको कमी फील होगी, और तो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। रिफ्लेक्टर्स वगैरह काफ़ी बड़े साइज के। एंड 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे इसके बम्पर में रहेंगे। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। स्किड प्लेट देख लीजिए एकदम मस्कुलर सी ऑफर की जा रही है। और रियर सस्पेंशन सेटअप इस तरह कुछ रहेगा, नीचे यहाँ पे इसका ये एग्जॉस्ट पाइप। ये सब देखने के बाद रियर प्रोफाइल तो भाई साहब एकदम बेहतरीन सी आई। अब बचता है इसका बूट स्पेस। पहले वाले में बूट स्पेस की भाई साहब कमी थी, अब यहाँ पे देखते क्या कुछ हुआ है। तो पहले से भाई साहब बढ़ाया जा चुका है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे खोल के। तो अभी आपको इस गाड़ी में मिलेगा 364 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन एक्चुअल में कैसा है कितना रहेगा 295 लीटर की, वो कैसे आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर जब आप अपना पूरा सामान रखेंगे ना, तब भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक भरेंगे तो आपको मिलेगा 295 लीटर का। जब आप इसको ऊपर तक भरेंगे तब आपको मिलेगा 364 लीटर का, यानी कि 364 लीटर का। एंड सीट वगैरह देखेंगे तो आपको 60-40 रेसो में आपको फोल्डेबल मिल जाती है बेसिक वेरिएंट से, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेंगी, ये बढ़िया बात रहेगी। बाकी इधर हुक वगैरह आपको दिए गए दोनों साइड, कुछ भी अपना पन्नी थैली यहाँ पे टांग सकते हैं। पार्सल ट्रे आपको बाद में लगवानी पड़ेगी, नीचे पे रहेगा स्प्रे व्हील के इसके प्लेसमेंट। तो ये बात होगी इसके बूट स्पेस की। अब चलिए इसको करते बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर।
पहले वाली 3800 से यहाँ पे काफी कुछ अपग्रेड मिले, लुक्स आपको एक नंबर के हो गए, इसी के साथ सेफ्टी रेटिंग हालांकि दोनों में सेम थी, यहाँ पे कुछ फीचर्स भी एडिशनल एड ऑन किए गए जैसे कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, बाकी 6 एयरबैग, स्टैंडर पीछे, इस इवेंट्स वगैरह भी दे डाले गए। इसी के साथ इस सेगमेंट का आपको मिलता है तगड़ा सा यहाँ पे 1.5 लीटर में डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको पावर फिगर मिलेगी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा। तो ये थी यहाँ पे इसकी साइड प्रोफाइल। डायमेंशन की बात करें अगर इस कार की, तो आपको इसमें मिलेगी 3990 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1821 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ चौड़ाई, एंड 1647 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस इस सेगमेंट का सबसे बड़ा सा रहेगा 2600 मिलीमीटर का। अब आइए चलते कार के अंदर, डोर खोलेंगे वही पूरी डुअल टोन में आपको देखने को मिलेगी पहले की तरह। यहाँ पे इसका डोर ओपनर, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे बॉटल वगैरह लगा सकते हैं, मैगजीन का स्पेस, फैब्रिक की सारी सीट्स मिलेंगे। तो चलिए बैठते हैं कार के अंदर। तो भाई इस गाड़ी के अंदर आने के बाद सबसे पहले देखेंगे इसका डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे बड़ी सी टच स्क्रीन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इसी के साथ स्टीयरिंग में काफी सारे माउंट कंट्रोल्स, एंड ऊपर दिखेगी आपको इसकी सनरूफ। सनरूफ चाहे तो पैनोरामिक में जा सकते हो, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इसके अपर वेरिएंट के साथ। यहाँ पे आपको कुछ रेगुलर साइज वाली यहाँ पे सनरूफ देखने को मिल जाएगी। रूफ लाइट यहाँ पे ऊपर रहती है वही येल्लो पीली वाली। बाकी पीछे वाले बंदों के लिए बड़े से यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह भी दिए गए, जो आपको पहले वाले यानी कि इसके फेसलिफ्ट के पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे, तो ये चीज भी यहाँ पे ऐड की गई है। इसी के साथ यहाँ पे फोन वगैरह लगा सकते हैं, एंड टाइप सी यूएसबी का पोर्ट। इसी के साथ नीचे देखेंगे ये रहेगा 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट। तो सारी चीज़ें अभी आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगी। एंड स्पेस देख लीजिए, लेग रूम नी रूम एकदम बेहतरीन सा था, स्पोर्ट भी बढ़िया सा मिलता है, क्योंकि इस सेगमेंट का सबसे अच्छा सा आपको व्हील बेस मिलेगा 2600 मिलीमीटर का। इधर की देख लीजिए पूरी डोर ट्रिम, यहाँ पे जाएंगे ग्रैप हैंडल हुक वगैरह दिया गया है। 6 एयरबैग्स रहेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे प्लेट्स में आपको मिलेगी एयरबैग्स की ब्रांडिंग। और ये देखो भाई साहब, और ये तीन आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, तीनों ही एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस सेगमेंट में आपको ज़्यादातर दो ही मिलते हैं, यहाँ पे आपको तीन ऑफर के जा रहे हैं। आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको भाई साहब ये देखेंगे तो पन्नी से पूरा कवर कर रखा है। इसमें आपको मिलेंगे 2 ग्लास होल्डर्स, तो ये चीज़ भी रहेगी पीछे। हालांकि पार्सल ट्रे नहीं रहती है, इसको चाहे तो बाद में लगवा सकते हैं। बैठेंगे एकदम बढ़िया सा, बाकी भाई साहब फीचर्स भी काफ़ी सारे ऐड हो गए, लुक्स भी काफ़ी बढ़िया सा रहेंगे। प्राइस रेंज भी इस सेगमेंट की सबसे कम रहने वाली है इस कार की। अब आइए चलते हैं बाहर, फिर दिखाते हैं आगे ड्राइवर साइड की तरफ से इस कार को। तो डोर को सबसे पहले यहाँ पर करेंगे बंद, ड्राइवर साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर रहेगा रिक्वेस्ट सेंसर। चाबी अगर आपको दिखा दे इस तरह कुछ फ्लिप स्मार्ट सी की रहेगी, जिसमें लॉक अनलॉक बटन लॉक के बटन से रहेंगे, पीछे महिंद्रा का लोगो एक होगा। भाई सब दोनों ही आपको मिलेंगी यहाँ पर स्मार्ट फ्लिप की, स्मार्ट रहेंगी, इसके साथ साथ फ्लिप का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपनी गाड़ी को प्रेस करके इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डोर ट्रिम खोलेंगे पूरी देखेंगे डुअल टोन में, तो डोर ओपनर आपको सिल्वर फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह ट्विटर्स वगैरह नीचे जाएंगे, तो ये चारों पॉइंट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन्स, एंड इधर देखेंगे तो यहाँ पे ओआरबी मर्चिंग के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। ये वाला पूरा पार्ट ग्लॉसी बैक फिनिश में रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच, नीचे यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिलता है इनकी डोर्स में। डैशबोर्ड पूरा डुअल टोन में। सीट्स की बात करें तो इस फ्रेंड में आपको फैब्रिक की देखने को मिलेंगी, अपग्रेड करेंगे तो आपको लेदर सीट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट, सीट क्लाइंब दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका प्लेट्स वगैरह भी यहाँ पे लगाई गई हैं। बाकी यहाँ पे इसका फील्ड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन, केबीसी पैडल, आगे का बोनेट खोलना है तो उसका लीवर दिया गया यहाँ पे साइड में, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका आइडियल डिस्चार्ज ड्रॉप का बटन, इधर हेडलैम्प को अपने एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब आइए चलते गाड़ी के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड। सो गाइस अभी आ चुके हैं कार के अंदर, सबसे पहले ऑन करेंगे इसका इग्निशन। साइड में आपको मिलता है पुश इंजन डिस्चार्ज ऑफ बटन, ऑटो फोल्डेबल स्कॉट्स मिरर, जैसे इग्निशन ऑन करेंगे भाई साहब अनफोल्ड हो जाएंगे। फुल्ली डिजिटल क्लस्टर लग रहा है, एकदम स्पोर्टी सा, जैसे आपने देख रखा है महिंद्रा एक्सवी 700 में, सेम समथिंग उसी तरह आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील हालांकि आपको पहले वाली 300 की तरह देखने को मिलता है 3XO में, जिसमें यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, क्रूज कंट्रोल से मैडी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे राइट साइड में। इधर टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट, वॉइस कमांड जैसे काफ़ी सारे कंट्रोल्स, पूरा लेदर ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी स्टीयरिंग, इसको यहाँ पे करेंगे फिक्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, तो रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स, एंड ये इसका पूरा डिजिटल क्लस्टर, पहले आता था एनालॉग, तो ये आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिल गया, यानी कि इसको बढ़िया सा कर दिया गया। इसी के साथ बड़ी सी टच स्क्रीन आपको दे दी गई, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया, वायरलेस चार्जिंग वाला पैड मिल गया, एंड पीछे देखेंगे तो रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स हो गए। इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं इस कार में। तो इसी की बात करें तो सबसे पहले एसी से कवर करते हैं, तो एक तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे स्पीडोमीटर, एक तरफ आरपीएम मीटर, एक तरफ यहाँ पे टेम्परेचर वाले बार्स रहेंगे साइड में, इधर फ्यूल गेज वाले बार्स, बीच में इसके मैड स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इसमें अभी देखेंगे फ्यूल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहा, रेंज दिखा रहा 2 किलोमीटर की, एवरेज दिखा रहा 22 का, भाई सब देख रहे ना, अभी जब गाड़ी खड़ी है तब यहाँ पे 22 KMPL का दिखा रहा इस कार में इसका माइलेज। मान के चलिए भाई साहब 20+ तो आराम से हंस के देने वाली है, मतलब 22 से 25 तक आपको मिलेगा और प्रेस करेंगे तो ये देखिए फ्यूल इन्फो हो गया,
और इसी के साथ और जो भी देखना हो यहाँ से प्रेस करके व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन भी आपको मिलेगा, डिस्प्ले लेआउट हो जाएगा, सेटिंग हो गई, अलर्ट हिस्ट्री हो गई, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए इसके बाद तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके क्लस्टर की, अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। प्यारा सा पूरा डुअल टोन में अभी आपको मिलेगी इसमें 10.25 इंचेस की बड़े से टच स्क्रीन, ये देख रहे हैं ना, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे, यूएसबी ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको मिलेगा नेविगेशन, बढ़िया सा नेविगेशन वगैरह भी यहाँ पे चला सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह अगर आपको दिखा दें ये काफ़ी सारी देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आपने देख रखा है महिंद्रा XUV700 में, तो उसी तरह समथिंग कुछ यहाँ पर रहेंगे इसमें एप्लीकेशंस वगैरह। यहाँ पे हल्के से आपको बेजल्स दिखेंगे, वो बात अलग है, लेकिन भाई साहब बड़ा कर दिए तो देखने में और ही लग रहा है बढ़िया सा पूरा इसका सेंटर कंसोल। कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, ब्लूटूथ, यूएसबी ऑक्स वगैरह जो भी कनेक्ट करिए, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सभी कुछ चल जाएगा इसके टच स्क्रीन में। यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह दिया गया, ऑन ऑफ वाला बटन, यहाँ पे कॉल वगैरह का, म्यूजिक, होम वगैरह, फेवरेट, सेटिंग, रेडियो, सारे आपको मिलते हैं शॉर्टकट बटन्स। अब फ्लैश को फिर से ऑन करते हैं, ये अब दिख रहा होगा प्रॉपर एसी वेंट्स वगैरह ब्लैक फिनिश में, जिसके सराउंडिंग आप देखेंगे पूरा सिल्वर ट्रीटमेंट। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे हेडलाइट का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टीयरिंग मोड, इधर जाएंगे तो एयरबैग ऑन ऑफ करने वाले स्विचेस, बाकी डिफॉगर का बटन मिलेगा साइड में। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलने वाला, जो इस सेगमेंट की इसी कार में आपको मिलता है, ये वैसा फर्स्ट इन सेगमेंट रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको उसमें जो अपर वेंट्स में मिलती है पैनोरमिक सनरूफ, वो भी सेगमेंट की पहली रहेगी इस कार के साथ। नीचे जाएंगे तो यहाँ से अपना फैन स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, एसी वाले सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, ये पूरा इसका सेंटर कंसोल का पैनल चेंज कर दिया गया है। टाइप ए यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वाला पैड भी आपको मिलता है, फोन वगैरह रख के बड़ा सा चार्ज कर लीजिए। ये इसका 6 स्पीड, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे देखेंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट, इसमें रहेगा स्टोरेज स्पेस। इधर की देख लीजिए डोर ट्रिम, एयरबैग्स आपको 6 मिल जाते हैं इस कार के साथ, बेस मॉडल में जाइए चाहे जाइए इसके टॉप मॉडल में। यहाँ पे भी देखेंगे ग्लॉसी बैक फिनिश एंड वाइट डायमंड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एंड ग्लव बॉक्स देखेंगे ना तो ये भाई साहब काफ़ी डीप, आप देखिए जो भाई साहब टाटा को टक्कर देता है वो यहाँ पर रहेगा इस महिंद्रा के 3XO में, मतलब उसमें भी इसी तरह डीप स्पेस मिलता है, इसमें भी मिलेगा। बड़े से अपना सा पूरा सामान वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे भर के रख सकते हैं। ऑटो डिमिंग यहाँ पे इसका IRVM। सनग्लास होल्डर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, बड़े ऐसा चश्मा वगैरह रख लीजिए। रूफ लाइट वगैरह यहाँ पे वही मिलेंगी, येलो हाइलोजन बल्ब वाली। बाकी यहाँ पे माइक वगैरह रहेगा, इधर देखेंगे तो प्लेन साइज का सनवाइजर, और इस तरफ आपको यहाँ पे मिलेगा वैनिटी मिरर विथ लाइट, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सनरूफ अब आपको दिखाते हैं इसके इलेक्ट्रिक सनरूफ, जैसा कि आपने पहले देखा था ना 300 में, उसी तरह आपको मिलती है 3XO के इस X5 वेरियंट के साथ। जैसे लग्जरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पैनोरमिक सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपने देख लिया, अब बचता है इसका बाहर का पूरा, अंदर का इंटीरियर कवर हो चुका है। अब चलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। अंदर का आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन। तो आइए चलते गाड़ी के बाहर। सो ये आपने देखा इस गाड़ी के अंदर का पूरा इंटीरियर वगैरह, अब इसके डोर को करते हैं बंद। इंजन स्पेक जैसे कि जानते हैं इसमें डीजल पेट्रोल आपको दोनों मिलते हैं, बट अभी आपके सामने इसका पेस है 1.5 लीटर में टर्बो चार्ज, बड़ा सा डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगी 115 bhp की पावर, 300 Nm का टॉक, माइलेज वही मान के चलिए 22 km तक आराम से मिलने वाला है आपको इस कार के साथ। बाकी इसके अलावा चाहे तो इसके 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 110 bhp की पावर मिलेगी एंड 200 Nm का टॉक, वहाँ पे माइलेज मान के चलिए वही मिलेगा 19 से 20 km तक इस कार के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की, अगर आप इसके X5 डीजल वेरिएंट को लेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में, तब आपको पड़ेगी 12,09,000 ex-showroom एंड 13,88,000 जाएगी ऑन रोड लखनऊ। यहीं पर अगर आप इसका X5 पेट्रोल लेंगे तब आपको पड़ेगी 10,69,000 ex-showroom एंड 12,29,000 जाएगी ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन, TPMS, ESP, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्यूलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर रहने वाले इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस महिंद्रा XUV 3XO के X5 डीजल वेंट पे। तो अगर इसके अलावा आपको एक सीरी या किसी का वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।